डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कोलारस क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद सिंधिया को विकास से इतनी एलर्जी क्यों है, हम विकास करना चाहते हैं तो वो चुनाव आयोग में शिकायत करते हैं। हम गोपीलाल जाटव को मंत्री बना रहे थे तो कांग्रेस वालों ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी थी जिससे जाटव मंत्री नहीं बन पाए। 5 महीने का चुनाव हमने अभी, मेरे पे जल संसाधन विभाग है, इरिगेशन का विभाग है, मैंने कोलारस विधानसभा में 200 करोड़ से ऊपर के विकास कार्य की शिलान्यास की, 200 करोड़। मेरी शिकायत कर दी चुनाव आयोग ने, ये भाजपा वाले विकास करते घूम रहे हैं, ये नरोत्तम विकास कर रहा है। मैंने मुगावली में अंबेडकर की मूर्ति लगवाई तो शिकायत कर, हमने आदिवासियों को 1-1 हजार रुपए बहनों को अपनियों को खाते में डाले, चुनाव आयोग में शिकायत कर दी कि ये आदिवासियों को लालच दे रहे। अरे मैंने कहा आदिवासी बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ है, और योजना अकेली कोलारस को नहीं बनी, ये योजना पूरे मध्य प्रदेश के लिए बनी, अकेली कोलारस को नहीं बनी। वो श्योपुर में तो चुनाव नहीं है, श्योपुर से शुरू हुई थी, हर चीज में कमी देख रहे। मंत्री बना रहे थे हमारे गोपीलाल जाटव को, अशोकनगर वाले को चुनाव आयोग में से बेचारा मंत्री नहीं बन पाया। खुद तो कुछ करते नहीं है और हमको करने नहीं दे रहे, बड़ा अजीब जमाना आ गया, अजीब टाइम आ गया। अगर तुमने कुछ किया है कांग्रेस के लोगों तो एक हाथ बार तो कोलारस की बात करो और बताओ। 5 महीने कोई ज्यादा नहीं है, एमएलए जिसको भी आप बनाओगे वो एमएलए रेस्ट हाउस की 5 महीने में रंग रोगन और पुताई नहीं कर पाएगा, तब तक चुनाव आ जाएंगे। ये होली पे वोट डालोगे भी तो दिवाली पे दोबारा वोट डालना। कांग्रेस भी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है, हम भी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे ही है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर कांग्रेस विकास करना चाहती थी तो 4 साल राम सिंह दादा एमएलए रहे, बिना कोविड रोको विकास कर, फिर काय नहीं करो?